दोस्तों, अगर आप भी रामायण सीरियल को देखना पसंद करते हैं और आपको भगवान राम और भगवान सीता का ये रोमांचक सीरियल देखना अच्छा लगता है तो सबसे पहले इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एपीएम पिक्सल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ में जो बेल आइकन यानी कि जो घंटी का बटन है उसको दबा के ऑल सेलेक्ट कर ले ताकि हमारे सारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे सबसे पहले। दोस्तों, रामायण एक ऐसा आध्यात्मिक धारावाहिक है जिसे हर सदी के लोगों ने बहुत अधिक पसंद किया। रामायण पर कई सीरियल बनाए गए पर सबसे अधिक जिसे पसंद किया गया वो था रामानंद सागर द्वारा निर्देशित रामायण। पहली बार ये जो रामायण सीरियल है इसको दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया था जो कि 1987 से 1988 के बीच चला। इसके टोटल 78 एपिसोड यानी कि 78 एपिसोड्स टेलीकास्ट किए गए थे। इसे सबसे अधिक देखे जाने वाले सीरियल्स की लिस्ट में जगह मिली क्योंकि उस दौर में जब चार में से एक घर में टीवी होता था और उसे गांव और उस गांव और शहर का हर छोटे से बड़ा व्यक्ति उसी घर में जाके इस सीरियल को देखता था। रामायण की प्रसिद्धि ऐसी थी कि इसके टेलीकास्ट के समय सड़क पर एक भी व्यक्ति नहीं होता था और हर व्यक्ति घर में या फिर पड़ोसी के घर में इसे देखने जाता था। यहाँ तक कि ट्रक और बस को रोककर भी सब लोग रामायण का लुत्फ़ उठाते थे। रामायण के प्रसिद्धि का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें राम और सीता का रोल निभा रहे अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया को दर्शक ने भगवान ही मान लिया था। सभी कलाकारों के लिए दर्शकों के मन में श्रद्धा का अभाव था, लेकिन जो भगवान राम और भगवान सीता का भूमिका निभा रहे थे अरुण गोविल और दीपिका जी, उनको देखकर लोग उनके पैर पड़ जाते थे और उनको भगवान राम और माँ सीता कहकर बुलाने लगते थे। दोस्तों, ये जो बात का खुलासा खुद अरुण गोविल जी ने अपने एक इंटरव्यू में किया है कि लोग उनको भगवान राम कहकर बुलाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग इस लॉकडाउन की सिचुएशन में कैसे अपना टाइम पास कर रहे हैं, रामायण देख रहे हैं या फिर कुछ और देख रहे हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।